SCF Cricket Ground Salem के पिच और ग्राउंड कंडीशंस को देखते हुए इस मैच के लिए की प्लेयर्स एस यादव, बी अपराजित, एस खान हैं। SCF Cricket Ground Salem, ये ग्राउंड कोयम्बतूर का SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड से बहुत ही सिमिलर है, जहां विंड बहुत स्ट्रांग है और पावर प्ले ओवर्स में सीमर्स को हेल्प मिलता है। यहां के स्क्यूड बाउंड्री डिमेंशंस की वजह से फिंगर स्पिनर्स आर ऑलवेज इन द गेम। SCF क्रिकेट ग्राउंड में अभी तक सारे मैचेस लो स्कोरिंग रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ द विकेट पर काफी क्रैक्स है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस बॉल काफी लो रह रही है। इसलिए फैंटेसी प्लेयर्स को बैटर से ज्यादा ऑलराउंडर्स एंड स्पिन बॉलर्स पर फोकस करना चाहिए। की प्लेयर्स एस यादव। NRK के थ्री डिमेंशनल ऑलराउंडर एस यादव ने पिछले मैच में 103 नॉट आउट ऑफ 55 बनाया था और बॉल से भी एक विकेट लिया था। यादव एक पावरफुल बैटर है और अपने रन्स एक हाई बाउंड्री परसेंटेज से बनाते हैं। बेस सीजन के हाईएस्ट रन गेटर हैं 322 रन्स के साथ और उन्होंने 6 विकेट्स भी लिए हैं। यादव स्पिन अच्छा खेलते हैं, जो इस सर्फिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यादव का प्लेयर प्रोफाइल और रोल्स को देखते हुए उनको इस मैच में अपने टीम में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी अपराजित। NRK के टॉप ऑर्डर बैटर बी अपराजित भी एक अच्छे ऑलराउंडर है और लास्ट मैच में उन्होंने 92 नॉट आउट ऑफ 48 बनाया था और 2 विकेट्स भी लिए थे। अपराजित का प्लेयर रोल राइट हैंड टॉप ऑर्डर बैटर एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक इस पिच के लिए आइडियल है, क्योंकि वे बैट के साथ साथ बॉल के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। श्रीराम TNPL 2022 में वे सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं विद 282 रन्स एंड लास्ट 5 मैचेस में ड्रीम टीम का हिस्सा थे। एस खान। LKK के ऑलराउंडर एस खान इस टूर्नामेंट के मार्की प्लेयर्स में से एक हैं और अपने श्रीराम TNPL के परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें टाटा IPL का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। खान एक हार्ड हिटिंग बैटर है और श्रीराम TNPL में उनका स्ट्राइक रेट 155.22 वन ऑफ द बेस्ट है। बैटिंग के साथ साथ वे बॉलिंग से भी एक काफी बड़ा थ्रेट है और इस सीजन उन्होंने 6 मैचेस में 8 विकेट्स भी लिए हैं।